हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू जर्नी अपनी शुरू करने वाले हैं, जो है सर्वाइवल सीरीज पार्ट 1। आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा होगा कि सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1 आ चुका था, लेकिन और अब ये क्या हो रहा है तो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। अभी हमारा एपिसोड 1 है तो इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि आपको तो पता ही है, अगर से हम सर्वाइवल सीरीज खेल लें और वो भी माइनक्राफ्ट पी के अंदर, तो अगर से हम नया अपडेट आता है 1.20 का जिसे आया, तो मेरा 1.90 वाला वर्ल्ड उड़ गया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप लोग वो फिर से मेरी एक न्यू सर्वाइवल सीरीज देखो 1.21 के अंदर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वर ही बना लिया और उसके अंदर अब खेल रहा हूँ। तो इसलिए मेरा पुराना वर्ल्ड चला गया। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई तू पागल है, तू पागल है, तू कर सकता था उसके अंदर कन्वर्ट, क्या कहते हैं, अपना सर्वाइवल सीरीज को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कर सकता था। तो भाई यही बात मैंने जाके पूछी थी, बहुत जगह रिसर्च करी, तब जाके मुझे मिली बहुत सी वीडियो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस्मत ही अच्छी नहीं थी, हुआ ही नहीं, मेरे को कोई मिला ही नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो मैंने इसलिए एक न्यू सर्वर बना लिया, ठीक है। और अब मैं उसके अंदर ये मेरे एपिसोड 1 होगा और यहाँ कोई भी क्रिएटिव नहीं होगा, और मैं कोशिश करता हूँ आज कि आज मैं ज़िंदा बच जाऊँ। तो मैं यहाँ पे शीप को मार रहा हूँ, तो वूल कलेक्ट करने के लिए मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इनसे वूल चाहिए और मेरे को जल्दी भी ना नाइट होने से पहले एक बेड बनाना है और सो जाना है, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे 3 वूल हो गई और मैंने लेके अब जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि बेड बनाऊँगा और मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को और कुछ भी काम नहीं करना, मेरे आज फर्स्ट डे और मुझे फर्स्ट डे पर मरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेड बना लिया और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ और सो जाता हूँ। ड्रीम्स देखिए, स्वीट ड्रीम्स आ गया ऊपर अचीवमेंट, और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे हम क्राफ्टिंग टेबल के अंदर रखेंगे और अब हम देखेंगे हमारा बनता है कि नहीं। एक पिकेक्स चाहिए और यहाँ पे भाई थोड़े से बहुत सैपलिंग्स भी ले लेते हैं, क्योंकि हम इस जगह पे नहीं रहेंगे। ये जगह बहुत अच्छी है मैं मानता हूँ, लेकिन हम इस जगह के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि ये जगह हमारा स्पॉन है और स्पॉन के ऊपर मुझे पता है बहुत से बिल्ड बनते हैं, लेकिन सॉरी ये स्पॉन अब हमें छोड़ कर जाना पड़ेगा, अब हमें बहुत दूर जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा खाना है तो मुफ्त का तो ले लो भाई, वुडन पिकेक्स से तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं थोड़ी अपग्रेड के बाद आपको मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट आपके लिए, बाकी मेरे लिए 10 मिनट है। तो अभी मैंने अपने ओल्ड टूल्स बना लिए, अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन भाई ये क्या हो गया है, ये थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है या इस वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, फाइबर नेट लगा हुआ है, रुकना तो नहीं चाहिए। देखो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन ग्लिच हो चुका है ये वर्ल्ड। तो अभी हमें इस ग्लिच के साथ ये हमें आगे बढ़ना होगा। देखो मैं यहाँ साइड से भी नहीं जा सक रहा, तो मैं एक दफ़ा लॉग आउट करके फिर आता हूँ, फिर ही कुछ होगा, ठीक है। वो अभी लॉग आउट करके फिर से लॉग इन हो चुका हूँ और अब हम करते हैं अपनी आगे की जर्नी को शुरू। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दिखता है, मैंने सोचा है अब हम ओशियन से ही चलते हैं, क्योंकि हमें आज हमें कैसे भी करके एक विलेज ढूंढना है, क्योंकि विलेज के बिना भी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही है हम विलेज से क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शीप मारेंगे ताकि और फूड जमा हो जाए। और भाई जब मैंने लॉग आउट करा था तो बीच के अंदर मैंने बहुत सारा काम भी करा था, लॉग आउट करने से पहले मैंने थोड़ा सा फूड जमा करा था और सो भी गया था, ठीक है। तो आप कोई भी क्रिएटिव नहीं बोलेगा, ठीक है, मेरे पास जितना था मैंने उतना ही करा। अब मैं यहाँ सोच रहा था आग बुझा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आग बुझाऊँगा तो मैं बुझ जाऊँगा, क्योंकि आग बहुत बढ़ती जा रही थी, मैं सीधा सीधा आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो अब मैंने अपनी इन्वेंटरी को देखा, भाई क्या है, बेड है, बेड को अब मैं लगा कर सीधा सो जाऊंगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है, इस सर्वाइवर ऐसे एपिसोड के 1 के अंदर तो एटलीस्ट नहीं मरना चाहता। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप बताना मैं क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगले एपिसोड में क्या करूँ।
तो आप मुझे बता देना। और भाई कैसा लग रहा है भाई, प्यारा सा लग रहा है, इसी बात पे एक लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। लाल वाला बटन आ रहा होगा उसे दबा के ग्रे कर दो, ठीक है। यहाँ पे अब इसे तोड़ते हैं और हम आगे चलते हैं। पहले मैंने सोचा इसको देख के आता हूँ, लेकिन जब मैं आगे गया तो ये पूरा का पूरा एक जंगल था और मेरे को जंगल में नहीं जाना था। तो मैंने वापस अपने मोड़ को मोड़ लिया और अब मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं जब आगे बढ़ रहा था तो यहाँ सैंड का ही था सब कुछ। तो मैं आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और भाई मैंने क्या देखा, आप बताओ क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, क्या देखूँगा यार। तो यहाँ पे भी ग्लिच हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि ये अभी नेट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ नेट का प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप कुछ भी नया एक्सप्लोर करते हो ना तो कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स थे, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं करा और मैं आगे बढ़ गया। और यहाँ पे कुछ ट्रीज थे और मेरे पास वुड कम थी, तो मैंने सोचा थोड़े से ट्रीज को चॉप कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे वुड को चॉप करने बैठ गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रीज को चॉप कर लिया था। अब मैंने सोचा अपनी आगे की जंग शुरू कर दी जाए। तो मैंने यहाँ पे और नहीं तोड़े, बल्कि मैं आगे ही चला गया। मैंने सोचा थोड़ा तो और आगे एक्सप्लोर कर लिया जाता है जाए क्यों ना। तो मैंने इधर से ये तोड़ दिए शुगर केन और इन्हें कलेक्ट कर दिया ताकि मैं आगे प्लांट कर सकूं। तो मैंने यहाँ से तोड़ दिया और मैंने बहुत ही बड़ा सैंड का था, मैंने सोचा तोड़ देना तो हमारे काम आएगा, लेकिन फिर मैंने इन्हें नहीं तोड़ा बस। और अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने लिए एक बोर्ड ताकि मैं अपनी आगे की जर्नी को शुरू कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपनी आगे की जर्नी शुरू करूँ। यहाँ पे एक बोर्ड बन गई, इसे तोड़ देते क्राफ्टिंग टेबल को। और मैं अपने साथ हमेशा सैपलिंग लेके जाता हूँ किसी भी जगह का, क्योंकि काम में आता है सैपलिंग। अब यहाँ पे आप ना एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा ना टाइम लैप्स देखो, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसके अंदर मेरे को तकरीबन 20 मिनट तो इसी के अंदर लगे था, ठीक है। तो इसलिए आप इस जर्नी को देखो, एंजॉय करो, तब तक मैं आपको मिलूँगा 1-2 मिनट के वक्त के बाद, ठीक है। तो फाइनली मुझे इतनी देर की मेहनत के बाद एक आइलैंड मिल गया था, लेकिन पता नहीं मेरे बूट पे क्या हो गया था, लेकिन जो भी हो मैंने उसे तोड़ दिया और कलेक्ट कर लिया, जो है आगे काम आ सकती है। तो इसलिए वुड को ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो मैं आगे चलता रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने सोचा यार आज एक विलेज ढूँढना, लेकिन ये तो एक फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में क्या ही मिलेगा। तो यहाँ तक मैं पूछा, लेकिन यहाँ पर आ गया मेरा नेट का मसला। तो मैं इन सब प्रॉब्लम्स को छोड़ देता हूँ। मैं आपको सीधा देखो यहाँ पे ना एक ऊपर जाने का था, तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम देखो अभी भी मसला ख़राब ही है, क्योंकि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अभी मैं जितना भी आगे चले जाऊँ, लेकिन मैं वापस पीछे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा नेट सही नहीं चल रहा। यहाँ पर नेट का इशू हो रहा था, तो मैं आपको है ना 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। मेरा नेट जब तक सही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी देर तक चला था, ये देख रहे हो, मैं कहीं भी नहीं जा सक रहा था। तो मैं इसको सही करके फिर आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। तो यहाँ पे ना मैंने सब फिक्स कर लिया, मैं एक दफ़ा लॉग आउट करके लॉगिन हुआ तो सही हो गया सब कुछ। और यहाँ पे एक स्प्रूस का पेड़ ही, तो इसे हम जल्दी से चॉप कर लेते हैं। और भाई मुझे आगे कुछ सामान ना बायोम लग रही है शायद, तो हम वो भी जाके एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका एक सैपलिंग भी चाहिए होगा, जो आपको तो पता है सैपलिंग इज मोस्ट रेयर थिंग इन माइनक्राफ्ट।
देखो अगर सैपलिंग होगा ना आप उस पेड़ को वापस बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना दूर दूर तक कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही स्प्रूस का था। अब मेरे को यहाँ पे ना इसका सैपलिंग का वेट करना होगा, टोटल चार हो जाए ना तो हम बड़ा वाला बना सकते हैं। ठीक है तो देखते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि स्प्रूस से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। देखो यहाँ पे एक हो गया, अब और भी हम कोशिश करते हैं निकालने की, चार हो गए। अरे ये क्या भाई, एक साथ चार निकल गए, तीन आ गए। चलो कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। ठीक है यहाँ पे सवाना भाइयों में याद रखना, ये सवाना ही है ना, कमेंट करके बता देना। ठीक है और यहाँ पे भाई कितनी सारी ग्रेवल है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी ग्रेवल है। जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था ना, मैंने भाई मुझे तो लगा यहाँ आयरन दबा दबा के होगा, तो मैं आयरन ढूंढ रहा था ना इधर उधर, लेकिन मजा ले जो मेरे को एक आयरन मिल जाए, आगे जाके मिलेगा लेकिन अभी इस जगह पे मेरे को नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने जहाँ तक मैंने गूगल के अंदर रिसर्च करी ना, गूगल ने बोला ऐसे पहाड़ों के ऊपर दबा के आयरन मिलता है, और मैंने एक क्रिएटिव के अंदर एक वर्ल्ड बनाया था उसके अंदर मैंने देखा भी था, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर तो भाई आयरन की जनरेशन बहुत ज़्यादा कम है। और भाई यहाँ पे ज़रा इसको इग्नोर करना ठीक है, क्योंकि मेरी मोबाइल की स्टोरेज भर गई थी और मैंने फिर से वीडियो बनाई ठीक है, तो इसलिए बाकी कुछ भी नहीं। बाकी हम यहाँ पे स्टोन थोड़ा सा और माइन कर लेते, थोड़ा सा डिग डाउन कर लेते आजू बाजू, पता चले निकल आए हमारा कोल। ठीक है कोल भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ठीक है, और कोल भी हम यहाँ पे माइन करा करेंगे। और यहाँ पे मैं सोच रहा था अपना घर बना लो, बिल्कुल फ्लेट है, पीछे जंगल है, जंगलों को काट काट के हम वहाँ से लकड़ियाँ भी निकाल सकते हैं, वुड फार्म भी एक तरह का हो जाएगा। और देखते हैं और क्या क्या है ठीक है, यहाँ पे सब मैं वैसे मैं सारा का सारा कोल ले लेता हूँ और फिर आगे चलता हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक आयरन पिकेक्स बनानी है। और मैं अगले एपिसोड के अंदर देखो क्या करता हूँ, आप मुझे सुजेस्ट करना कि क्या करना है मेरे को आगे ना ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लग रही हो तो ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एडिटिंग के अंदर आपका भाई बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान है, लेकिन फिर भी आपके लिए आपका भाई अपनी पूरी जान से भी इंतजार है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो हमेशा अच्छी लगे, ना कि उनको ये बोरिंग पार्ट लगे ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना आयरन ढूंढ रहा था लेकिन मुझे आयरन ही नहीं मिला, और मैं यहाँ पे देखने लग गया और क्या क्या है। मैं यहाँ पे देख रहा था कितना बड़ा पहाड़ है, क्या पता इसके ऊपर निकल आए, तो मैं एक दो ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, और भाई देखो कितना खतरनाक पहाड़ है, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ सक रहा था, लेकिन तेज़ तेज़ करके मैं ऊपर चढ़ूँगा ठीक है, आपके लिए सब चढ़ूँगा, सिर्फ आपके लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, ओनली सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर गिर गया वापस, यहाँ पर मेरे कोबल स्टोन वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन टेंशन ही नहीं, हम कोबल स्टोन फार्म बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे ठीक है, आपको टेंशन 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 बिल्कुल भी नहीं लेनी ठीक है। हम एक कोबल स्टोन फार्म भी बनाएंगे, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में ही बना दे, लेकिन जो आप बोलोगे वही फार्म बनेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो यहाँ पर ऊपर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर मुझे मजा आ रहा है जो एक आयरन भी मिल जाए, और मैंने वही यहाँ पर देखा, लेकिन यहाँ तो वही खतरनाक ही था, डेथ थी, लेकिन मेरे को वहाँ पे एक आयरन दिख गया गलती से, देखा आपने यहीं पे मेरे को एक आयरन मिला था, पता नहीं वहाँ पे, मैं अब भूलता हूँ, अभी दो मिनट के बाद आपको बात करता हूँ ठीक है। तो दोस्तों अभी चला था थोड़ा काम था तो इसलिए मैं चला गया, लेकिन अब मैं वापस आ गया रिकॉर्डिंग वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक आयरन दिखा था, मैं उसी को कलेक्ट करने के लिए वापस आ गया यहाँ पे, तो मैं इसको तोड़ता हूँ, मेरे को लगा दो तीन होंगे, मजा आ भाई दो तीन हो, एक ही बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। और यहाँ पर मेरे अपने ने मुझे वापस बुला लिया और बोला बेटा एक काम है चला जा, तो मैं वही करने चला गया, और फिर अब मैं पहुँचता दो मिनट के अंदर वापस आके। तो भाई अभी मैं आ चुका था वापस, अपने काम से गया था और वापस आ चुका हूँ, और भाई बहुत देर बाद आया था, और भाई फिर मैं वापस रोक रहा क्या यह हुआ था, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा आप के हुए, लेकिन मेरे को डर लग रहा था अभी, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा आर्मर ही नहीं था। फिर मैंने सोचा सामने जाने का, क्योंकि सामने देखो कि कितना फ्लैट वर्ल्ड है, यहाँ पर मैं डैमेज लेते लेते नीचे तक गया था, भाई देखो कितना फ्लैट वर्ल्ड है, मैंने सोचा यहीं पे ही मेरा सर्वाइवल बेस बनेगा। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि भाई मेरे को एक क्या कहते हैं एक विलेज चाहिए, ताकि मैं अपना सर्वाइवल बेस बना सकूँ, क्योंकि विलेजर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, आपको तो पता है ठीक है। अगर विलेजर होंगे
तभी हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि विलेजर से हम बहुत सारा सामान ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं विलेजर्स के बिना हम कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा आयरन फार्म वगैरह इससे तो वर्क करता है, इसलिए मुझे वो चाहिए था। ठीक है, और अब मैं आगे आगे चलता हूँ और भाई एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता हूँ। पहले मैंने सोचा यहाँ पे चिकन मार के इनका भी थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना, फिर मैंने सोचा जाने दो इन्हें भी, ये मासूम जानवर है, इनके मार के मैं क्या ही कर लूँगा। तो मैं इन्हें मारना शुरू हो गया, मजा आ रहा है, लेकिन ये भी मर गया। एक भी बड़ी मुश्किल से मरा होगा मेरे से, बल्कि मरा भी नहीं था शायद कोई। मैंने लेकिन बहुत मारने की कोशिश करी, लेकिन मेरी ट्रिक नहीं लग रहा था, मैंने इन्हें छोड़ दिया, फिर मैं आगे ही चला गया। ठीक है, और आगे एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मैं एक्सप्लोर तब तक करूँगा जब तक मेरे को एक विलेज नहीं मिल जाता, इसलिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको बोरिंग ना करता, इसलिए मैं बीच बीच में से थोड़े थोड़े पार्ट काट देता हूँ। जैसे मैं नाइट को स्किप कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको डार्क नहीं देखना पड़े। ठीक है, वैसे मैं सो जाता हूँ, बस 1 मिनट का ही होता है, वो 1 मिनट भी नहीं लगती उस क्लिप का। मेरे को पता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बोलना तो होगा, वरना आप क्या करोगे, जैसे एक वीडियो देखोगे। तो यहाँ पर बस मैं ऊपर आ गया था, हम लोगों को यहाँ पर दूर दूर तक कोई विलेज ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे गया, थोड़ा सा और आगे गया, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर भाई एक रवीन है, और भाई रवीन के अंदर जाएंगे डायमंड्स भी मिलने का चांस है, और एक आयरन भी। और यहाँ पे मैं गिरते गिरते बचा था, मैंने फिर आगे गया, और भाई आगे के जाते जाते फिर मैं कोई और बड़ा पहाड़ देखा, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहता था, मेरी हंगर बार भी कम हो रही है और मेरे पास फूड भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन फिर भी आपको भाई ढीठ था, फिर भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक विलेज की तलाश है, और मेरे को भाई दूर दूर से ही दिखेगा ना, जो बड़े बड़े पहाड़ है उनके ऊपर चढ़ूंगा तभी मेरे को दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लगा लगा के ऊपर चढ़ा था। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ब्लॉक लगा रहा हूँ, फिर बोलो क्रिएटिव यूज़ करके ऊपर चला गया। ठीक है, हम प्योर सर्वाइवल खेलने वाले हैं, ठीक है, ये गेम। और देखो यहाँ पे मेरे को मिले थे, लेकिन फिर मैंने इन्हें नहीं मारा, क्योंकि मेरे को पता है ये काव है और काव मरती ही नहीं है भाई। यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर आपके भाई ने तेज नज़र से देख लिया कि सामने एक विलेज, वो देखो कुछ आपको दिख रहा है ना, मेरे को लगा वो विलेज है, तो मैं उसी को सच में उसी को ढूंढते ढूंढते गया था। मेरे को लगा कि वो एक विलेज है और मैं उसी के पास जा रहा था, क्योंकि आपको अजीब सा नहीं लग रहा ये, आप खुद देखो अजीब सा लग रहा होगा भी, तो मैं उसी के पास जा रहा था, लेकिन मुझे तो भाई लगा कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब मैं पास किया तो मैंने क्या देखा, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, मैं आपको नहीं दिखाने वाला, ठीक है, मैं आपको नहीं बताने वाला, दिखा तो अभी दूंगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो आगे किया, यहाँ पे मुझे विलेज का पहला घर और दिख चुका था, और भाई मैं इतना खुश हुआ जिसकी वजह नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना उछल उछल के जा रहा था, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हुआ भाई विलेज मेरे पास ही था, और मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। कसम से अगर जो मुझे वो नहीं मिलता ना, तो मैं उसे भूल के और चले जाता। ठीक है, और यहाँ पर भाई मेरे को मिल चुका था अपना विलेज, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अब अपना सर्वाइवल फेज बनेगा, इन विलेजर्स को भी कैद कर लेंगे हम, और बाकी क्या ही करें। और भाई थोड़ा सा विलेज नीचे भी था। ठीक है, और भाई आज की जर्नी इतनी थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अभी और काम करने वाला, यहाँ पर थोड़ा सा चेस रखता हूँ, और फिर आपको अपना एंड स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी शीप को मारा जाते जाते, क्योंकि मेरे को रहा फूड ख़त्म हो गया था, और मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट वगैरह लगा के अपना एक्स्ट्रा सारा सामान वहाँ पे रख दिया था। ठीक है, अब यहीं पे ही अब हमारा सर्वाइवल बेस बनने वाला है। यहाँ पे देखो मैंने थोड़े बहुत फर्नेस और चेस्ट वगैरह रख दिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने रख दिए। ठीक है, और बाकी देख सकते हो यही था आज का हमारा एपिसोड। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करने आगे हम क्या करें। बाय।